प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे और आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपको उतना पढ़ाऊं कि बहुत थोड़ा सा पढ़ाऊं और आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। तो आप ये मान के चलो, पूरा चैप्टर समझाने के लिए मैं आपको केवल एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, लेकिन एक न्यूमेरिकल को जितने भी वेरियस टाइप्स हो सकते हैं उन सारे से कराने वाला हूं। ध्यान दो, ध्यान से देखना। अगर आप ये न्यूमेरिकल समझ जाओगे, आपको पूरा का पूरा फ्रिक्शन का जितना भी डिफिकल्ट सा पार्ट है वो सारा का सारा समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं उस न्यूमेरिकल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तो आप ये मान के चलो, हम लोग केस स्टडी के हिसाब से करेंगे। आप ये मान के चलो हमारे पास एक ब्लॉक और इस ब्लॉक का मास है 10 केजी के बराबर, और हमारे पास ये फ्लोर जहां पे म्यू की वैल्यू गिवन है 0.8 के बराबर, रफली मैंने ऐसे ले लिया। और हमने इस पे फोर्स लगाना शुरू करा और एफ की वैल्यू कितनी थी, 2 × t के बराबर थी, जहां पे बेटा टी क्या चीज है, जहां पे टी है टाइम। और अब हम एक काम करते हैं, अलग अलग केसेस को स्टडी करते हैं। कोई हमसे बोलता है कि आप ये बताओ कि फ्रिक्शन वर्सेस टाइम में ग्राफ कैसा होगा। बेटा ग्राफ में क्यों प्लॉट करा रहा हूं, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने से तुम्हें इसके बारे में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फ्रिक्शन वर्सेस टाइम में ग्राफ प्लॉट करो तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर एक चीज क्लियर है कि इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू, अगर हम फोर्स लगाएंगे थोड़ा तो फ्रिक्शन होगा थोड़ा, फोर्स को बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स को और बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है हमें वो देखने की जरूरत है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, हम जानते हैं म्यू इंटू आर के बराबर, जहां पे आर क्या होगा, रिएक्शन फोर्स, म्यू की वैल्यू 0.8, आर की वैल्यू mg, आंसर आता है कितना 80 न्यूटन। इसका मतलब फ्रिक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी आएगी, मैं यहां पे कट लगाता हूं, और वो कितने के बराबर होगी, 80 न्यूटन के बराबर होगी। पर ध्यान दो, क्या वो सडनली आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। जब टाइम की वैल्यू होगी जीरो, जब टाइम की वैल्यू होगी जीरो, मैं अलग अलग चीजें लिखना स्टार्ट करता हूं, जब टाइम की वैल्यू होगी जीरो तब फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, या ऐसे कह सकते हैं हम, टाइम की वैल्यू जीरो होगी तो अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स एफ था ना, एफ 2t लिखा हुआ, वो भी कितना होगा, जीरो होगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, फ्रिक्शन भी जीरो होगा। कारण है, जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो फ्रिक्शन होगा नहीं। जब टाइम की वैल्यू होगी 1 सेकेंड तो एफ की वैल्यू होगी 2 न्यूटन, तब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 2 न्यूटन के बराबर होगी। बहुत अच्छी बात है। जब टाइम की वैल्यू होगी 10 सेकेंड तब एफ की वैल्यू होगी 20 न्यूटन, जब एफ की वैल्यू होगी 20 न्यूटन तब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 20 न्यूटन। ध्यान से देखना, हम लोग केस स्टडी कर रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना। टी की वैल्यू होगी 20 सेकेंड, एफ की वैल्यू कितनी आएगी 40 न्यूटन, तब फ्रिक्शन भी कितना आएगा, 40 न्यूटन। फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ सकता है, फ्रिक्शन कैन इंक्रीज अप टू 80 न्यूटन। जब टाइम की वैल्यू आएगी 40 सेकेंड उस टाइम एफ की वैल्यू आएगी 80 न्यूटन, उस टाइम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 80 न्यूटन। फिर फ्रिक्शन क्या बोलेगा, अब रुक जाओ, अगर अब ना रुके तो बॉडी चल पड़ेगी। मतलब जैसे ही टाइम की वैल्यू 40 सेकंड से ज्यादा, वैसे ही फोर्स की वैल्यू 80 न्यूटन से ज्यादा, उसके बाद क्या होगा, बॉडी विल मूव। लेकिन ध्यान दो, यहां पे हमने स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को अलग अलग कंसीडर नहीं करा है। इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन भी 80 न्यूटन। बेटा मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम लोगों को बेसिक बातें तो समझ में आती हैं, बिकॉज हम क्रैश कोर्स की क्लास कर रहे हैं। एफ की वैल्यू भी 80 न्यूटन होगी, मतलब ये कौन सा वाला फ्रिक्शन है बेटा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन 80 न्यूटन होगा, और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन भी कितना आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन भी 80 न्यूटन आएगा, क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग कंसीडर नहीं करा है। उसके हिसाब से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें क्या दिख रहा है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जितना फ्रिक्शन हो, जितना फोर्स होगा उतना फ्रिक्शन होगा, जितना फोर्स होगा उतना फ्रिक्शन होगा, जितना फोर्स होगा उतना फ्रिक्शन होगा। और फोर्स किसके साथ रिलेटेड हो रहा है, टाइम के साथ, तो फ्रिक्शन भी किसके साथ रिलेटेड होगा, टाइम के साथ। कब तक, अप टू 80 न्यूटन। उसके बाद टाइम बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू फर्दर इंक्रीज नहीं करेगी। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा, अभी अभी हम लोग देख रहे थे कि हमें ग्राफ बनाना था किसके बीच में, टाइम वर्सेस फ्रिक्शन के बीच में। टाइम जीरो पे फ्रिक्शन जीरो, टाइम बढ़ेगा फ्रिक्शन बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। टाइम बेटा कितना हो गया, टाइम हो गया अभी 40 सेकेंड, उसके बाद फ्रिक्शन बढ़ना बंद हो जाएगा। ये हमारे पास एक सिंपल ग्राफ आएगा। हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इस वाले केस की, जहां पे ये 10 था, ये फ्लोर था और ये फोर्स की वैल्यू लग रही थी एफ इक्वल टू 2t। उस पर्टिकुलर केस में ये ग्राफ आया। ये समझाने से आपको फ्रिक्शन का नेचर समझ में आ गया। नाउ वी हैव इसी का एडवांस्ड केस लेते हैं। ऐसा करते हैं, अब की बार हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, वो 10 वाला तो है ही है ना, जो अभी हम बात कर रहे थे, कितने की बात कर रहे थे हम, वी वर टॉकिंग अबाउट 10, ये 10 वाला है सेम। फोर्स कितना लग रहा था इसके ऊपर, इसके ऊपर लग रहा था एफ इक्वल टू 2t, अभी भी एफ इक्वल टू 2t, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पहले वाले केस में 10 kg वाला ब्लॉक फ्लोर पे रखा था, अब की बारी 10 kg वाला ब्लॉक किस पे रखा है,
एक दूसरे ब्लॉक पे रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है 20 kg के बराबर है, और वो जहां रखा है वो टोटली कैसा है, कैसा है, स्मूथ। अच्छा, हमने म्यू की वैल्यू कितनी देखी थी 10 kg के फ्लोर के पास म्यू की वैल्यू हमने देखी थी 0.8, अभी भी कितनी है 0.8। कोई तुमसे सेम बात दोबारा पूछता है कि प्लॉट करो फ्रिक्शन वर्सेस टाइम में ग्राफ कैसा आएगा, पहले लॉजिक समझो। लॉजिक पता क्या है, प्रीवियस केस में हम जैसे जैसे फोर्स को बढ़ा रहे थे फ्रिक्शन वैसे वैसे बढ़ना शुरू हो रहा था उसी रेट के हिसाब से। इस वाले केस में हम फोर्स को जैसे ही बढ़ाएंगे, इससे पहले फ्रिक्शन जनरेट हो उसके पहले ये पूरा सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। जब पूरा सिस्टम चलना शुरू हुआ तो यहां पे जनरेटेड फ्रिक्शन की वैल्यू इस वाले पॉइंट पे उतनी ज्यादा नहीं आएगी जितनी पहले आनी चाहिए थी, क्योंकि पहले वाले केस में 10 kg वॉज अनेबल टू मूव, अनेबल टू मूव। सो वॉट एवर अमाउंट ऑफ फोर्स वॉज अप्लाइड इट वॉज ट्राइंग टू पुल 10 kg, सो यहां पर फ्रिक्शन उसी रेशियो में डेवलप हो रहा था। बट इस केस में क्या हो रहा है, हम जैसे फोर्स को बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने फोर्स को बढ़ाया हमने क्या देखा, ये दोनों चल पड़े। द मोमेंट दे स्टार्ट मूविंग, तो इस फोर्स का ध्यान इस वाले जंक्शन से हटके किस पे चले जाता है कि ये पूरे के पूरे सिस्टम को चलाने की ट्राई कर रहा होता है, इसलिए यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी नहीं आएगी जितनी पहले आ रही थी। लेट अस ट्राई। कोई हमसे बोलता है कि सर होगा क्या, तो तुम ये बोलोगे देखो सबसे पहले ये कॉन्टैक्ट तो बाद में टूटेगा, ये वाला कॉन्टैक्ट बाद में टूटेगा, पहले सिस्टम चलना स्टार्ट करेगा। इस क्वेश्चन को करने का मेथड बताता हूं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं केस वन, और केस वन में हम क्या बात करते हैं, वी अज्यूम दैट बोथ आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन। हमने ऐसा क्यों माना, हमने ऐसा इसलिए माना क्योंकि जंक्शन अभी हम ब्रेक अज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो बेटा दोनों ब्लॉक मिला के कितना मास हो गया, दोनों ब्लॉक मिला के मास हो गया 30 kg के बराबर। क्लियर हुआ। और हमने फोर्स कितना लगाया था, F इक्वल टू 30 into A, एंड दिस इज 2T इक्वल टू 30 into A। यहां से A की वैल्यू कितनी आएगी, 2T/30, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब एक काम करते हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसी एक ब्लॉक का। लेट अस से हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इसका 10 वाले का। ध्यान से देखो 10 वाले को हमने किधर खींचा था, राइट डायरेक्शन में। बेटा फोर्स का फ्रिक्शन कहां पे डेवलप होगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा इस डायरेक्शन में। और अभी हमने क्या माना कि दोनों ब्लॉक्स का कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, तो जितना एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन हमने किसका अज्यूम करा है, ये हमने एक का अज्यूम करा कि दोनों का, ये हमने दोनों का अज्यूम करा है, तो इस अकेले का भी एक्सेलरेशन यही आएगा, सेम टू सेम आएगा। अब हम बात करते हैं अकेले 10 kg ब्लॉक की। अकेले 10 kg ब्लॉक की बात करेंगे तो रिलेशन क्या आएगा, F - F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस एफ की वैल्यू कितनी थी बेटा, 2T - F इज इक्वल टू 10। ए की वैल्यू कितनी आ रही थी, ए की वैल्यू आ रही है 2T/30। आई थिंक हम देख पा रहे हैं यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, फ्रिक्शन आ रहा है 2T - ध्यान से देखो 2T/3। और अगर हम इसको इस साइड लिखें तो हमें मिल रहा है फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाउ मच, 4T/3। वी आर गेटिंग दिस फ्रिक्शन इक्वल टू 4T/3। अब सुनो, इसी टाइप के प्रीवियस केस में जब फोर्स की वैल्यू, सॉरी, जब टाइम की वैल्यू हो रही थी 40 सेकेंड, कितना हो रहा था, टाइम की वैल्यू हो रही थी 40 सेकेंड, तो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया था, या ऐसे कहें कि फ्रिक्शन कहां तक पहुंच गया था, फ्रिक्शन पहुंच गया था। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, प्रीवियस केस में जो हमने अभी अभी पढ़ा था उस केस के हिसाब से जब टाइम की वैल्यू हो रही थी, लुक एट दिस, इस वाले केस में हमें साफ दिख रहा है कि जब टाइम की वैल्यू हो रही थी 40 सेकेंड, इतना हो रहा था, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो रही थी 80 न्यूटन। और मैं आपको इस वाले केस में क्या डिक्लेयर कर रहा हूं कि इस वाले केस में टाइम की वैल्यू 40 सेकेंड होगी, लेकिन फ्रिक्शन उतना नहीं आएगा, फ्रिक्शन उतने से कम आएगा। सो लेट अस ऑब्जर्व, वो कम आ रहा है कि कम नहीं आ रहा है। तो ये हमारे पास रिलेशन है, ये रिलेशन है, एंड रिलेशन कम्स आउट 40/3। तो बेटा हम बात करते हैं t = 40 सेकेंड पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी। देखो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 40/3 के बराबर, और टी की वैल्यू को 40 डालते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, 160/3 न्यूटन, और ये कितने 80 न्यूटन से कम है।
प्रीवियस केस में जब एक अकेला ब्लॉक फ्लोर के ऊपर रखा था तब फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही थी 80 न्यूटन के बराबर। अब फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू आ रही है 160/3 के बराबर, इसका मतलब ये 80 न्यूटन से कम है। बेटा एक बात आपको नोट करनी पड़ेगी, कोई कॉन्टैक्ट तब ब्रेक होता है जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो जाती है। तो जब हमने अकेला ब्लॉक रखा था तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी 80 न्यूटन और वो अचीव हो गई थी कितनी देर के बाद, 40 सेकंड के बाद। इस वाले केस में भी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 80 न्यूटन आएगी लेकिन वो 40 सेकंड में अचीव नहीं हो पा रही है। 40 सेकंड में कितना फ्रिक्शन हो पा रहा है? ओनली 160/3 न्यूटन। तो अब हमने कैलकुलेट करना होगा कि ये कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा कितनी देर में। सी हमें क्लियर हो गया कि 40 सेकंड में तो ब्रेक नहीं हो रहा, तो कब ब्रेक होगा? तो उसके लिए हम दूसरा सेकंड केस करते हैं। मैंने यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हम क्या मान के चल रहे हैं? व्हेन कॉन्टैक्ट ब्रेक्स। ऑब्वियस ही बात है, जब कॉन्टैक्ट ब्रेक होने वाला होगा तो दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन मैक्सिमम को पहुंच चुका होगा। एंड हाउ मच इज दैट मैक्सिमम वैल्यू? दैट मैक्सिमम वैल्यू इज 0.8 म्यू इक्वल टू 0.8 के हिसाब से फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितने के बराबर? 80 न्यूटन के बराबर। इसका मतलब केस टू में हम पढ़ने वाले हैं कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू 80 न्यूटन के इक्वल आ गई होगी। 10 केजी वाले ब्लॉक को हमने कहां पे खींचा हुआ है? 10 केजी वाले ब्लॉक को हम खींच रहे हैं आगे की तरफ। अगर 10 केजी वाला ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन कहां पे काम करेगा? बैक डायरेक्शन में काम करेगा। और 20 केजी वाले पे कहां पे काम करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो अगर हम 10 केजी वाले का डायग्राम बनाते हैं तो 10 केजी वाले के हिसाब से हम देख सकते हैं। आप इसको देखो ध्यान से, इस वाले में हम क्या दिखा रहे हैं कि एफ लग रहा है आगे और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे और एक्सेलरेशन कितना है? ए के बराबर है। तो उसके हिसाब से हम एक्सेलरेशन के रिलेशन को मेजर कर सकते हैं और हम मेजर करेंगे कुछ ऐसे। देखो नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा? आगे एफ लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, नेट फोर्स आएगा एफ माइनस 80 एंड दैट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हम दोनों की बात कर रहे हैं कि केवल 10 वाले की बात कर रहे हैं? केवल 10 की बात कर रहे हैं। और हम अभी तक क्या मान रहे हैं? हम मान रहे हैं कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है, पूरी तरह से हुआ नहीं है। पूरी तरह से ना होने का मतलब वी आर नॉट कंसीडरिंग के दोनों अलग अलग भाग रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी तक दोनों साथ में चल रहे हैं लेकिन कॉन्टैक्ट ब्रेक होने वाला है। अगर साथ में चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सेम आएगा और यहाँ से रिलेशन आएगा एफ माइनस 80 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें साफ साफ दिख रहा है। अगर हम इसको शफल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? वैल्यू निकल के आ रही है, आप देखो ध्यान से, यहाँ से हम टी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 60 सेकंड। मतलब प्रीवियस केस में कॉन्टैक्ट कब ब्रेक हो गया था? 40 सेकंड के बाद। अब कब ब्रेक होगा? अब 60 सेकंड के बाद होगा। इस केस में कोई हमसे बात करे कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी तो तुम बोलोगे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2t के बराबर होगी, क्योंकि एफ 2t था। तो कितना आंसर आएगा? 120। मतलब जब अप्लाइड फोर्स 120 न्यूटन से एक्सीड कर जाएगा तब कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा। तो हमने अभी कंसिडर करे दो केसेस का न्यूमेरिकल। अब हम देखने की ट्राई करते हैं इनके अलग अलग मोशन को कि जब हमने फोर्स अप्लाई करा तो इनके एक्सेलरेशन किस हिसाब से बिहेव करेंगे। देखो जब तक कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होगा तब तक दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। जैसे ही कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा कि डिफर कर जाएगा? वो डिफर कर जाएगा। तो अब हम उसको देखते हैं, हम उनके मोशन को अलग अलग कंसीडर करते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इन ब्लॉक्स का अलग अलग मोशन देखने की ट्राई करते हैं। मोशन देखेंगे तो हमें इनका लॉजिक समझ में आएगा थोड़ा सा। सो वी हैव दिस 10 kg, हमारे पास 10 kg एंड वी हैव 20 kg, अगेन 20 kg स्मूथ फ्लोर पे रखा हुआ है और 10 kg पे हमने फोर्स लगाया एफ इक्वल टू 2t के बराबर। इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2। कोई हमसे बोलता है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करो। एक्सेलरेशन किसका? 1 का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान से समझो, ये कॉन्टैक्ट कब ब्रेक हो रहा था? 60 सेकेंड पे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं पॉइंट नंबर 1, टी इक्वल टू 0, 2t इक्वल टू 60। इसके बारे में क्या बोलेंगे हम? बोथ मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता चल गया था 60 सेकंड तक दोनों का कॉन्टैक्ट ब्रेक होने वाला नहीं है। कॉन्टैक्ट कब ब्रेक होगा? 60 सेकंड पर ब्रेक होगा। इसका मतलब हुआ 60 सेकंड तक क्या होगा? ये एक्सेलरेट होंगे लेकिन एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन का रिलेशन आएगा a इक्वल टू एफ बाई एम। एम का मतलब कितना? 30। दैट इज हाउ मच? 2t डिवाइडेड बाई 30 और t बाय 15। इसके हिसाब से रिलेशन आएगा। और एक्सेलरेशन का रिलेशन टाइम के साथ कैसा आ रहा है? लीनियर आ रहा है। मतलब टाइम बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन विल इंक्रीज, ऐसे 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 होता जाएगा। और बेटा हम कहां तक पहुंच गए? हम पहुंच गए एक्चुअली 60 सेकंड तक। ये मैंने कब बताया था आपको? ये मैंने इसके पहले बताया था कि 60 सेकंड पे दोनों का कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा। अब तक दोनों के दोनों साथ चल रहे थे। इसके बाद जैसे टाइम की वैल्यू 60 सेकंड से ज्यादा होगी,
इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट टूटने वाला है। कारण अब फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये साथ साथ चलने वाले नहीं है। जैसे टूटेगा वैसे 10 kg वाला अलग एक्सेलरेशन से जाएगा और 20 kg वाला एक्सेलरेशन डिफरेंट एक्वायर करेगा। सो अब तक हमने क्या लिखा, यहां पे देखो T0 to 60 बोथ मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन। और अगर कोई हमसे बोले कि ये एक्सेलरेशन किसका होगा तो तुम बोलोगे सर ये एक्सेलरेशन A1 का भी होगा। ध्यान रखो दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, इसका मतलब ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ A1 के लिए भी है और A2 के लिए भी है, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। नीचे वाले ब्लॉक का और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम आएगा, ये ग्राफ अप टू 60 सेकंड सेम आएगा। उसके बाद देखो क्या होने वाला है इस पॉइंट के बाद। अब हम बात करेंगे जैसे ही टाइम की वैल्यू, वी हैव सेकंड पॉइंट, टाइम की वैल्यू होती है मोर देन 60 सेकंड, अभी क्या होगा, बोथ स्टार्ट मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, डिफरेंट एक्सेलरेशन। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी, क्योंकि 60 सेकंड से ज्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी कि दोनों का कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। जैसे कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा बेटा, ये होगा 10 kg वाला ब्लॉक, इस पे लग रहा है फोर्स F=2T, जो अभी काफी ज्यादा फोर्स हो चुका है, और यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा, ध्यान रखो फ्रिक्शन वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल कब तक है, जब तक फ्रिक्शन स्टैटिक है वो वेरिएबल है। अब फ्रिक्शन हो जाएगा कांस्टेंट, कितने के बराबर, 80 न्यूटन के बराबर। अब ये चेंज होने वाला नहीं है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। टोटल फोर्स क्या होगा, राइट साइड वाला फोर्स माइनस लेफ्ट साइड वाला फोर्स डिवाइडेड बाय मास। दोनों का लेंगे कि केवल एक का लेंगे, अब हम केवल एक का लेंगे। और रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन आएगा T/5 - 8। अगर हम सबको थोड़ी सी मास आती है तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है ए को हम मान लेते हैं वाई, ए को हम वाई मान लेते हैं और 1/5 को एम मान लेते हैं। तो ये y=mx - c का फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन का सिंपल इक्वेशन। इस वाले केस में जो स्लोप आ रहा है वो पहले वाले से ज्यादा आ रहा है। फर्स्ट वाले केस में स्लोप कितना आ रहा था, फर्स्ट मतलब जो हमने इससे पहले वाला केस निकाला था उसमें क्या वैल्यू आ रही थी, उसमें ए की वैल्यू इतनी आ रही थी, इतनी, इतने आने का मतलब हुआ इस वाले केस में जो स्लोप आ रहा था वो आ रहा था 1/15 के बराबर, 1/15 के बराबर। ये मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये स्लोप होगा जिसको हम बोलेंगे 10 थीटा, ये कितने के बराबर होगा, 1/15 के बराबर। लेकिन अभी जो केस हम पढ़ रहे हैं इस वाले केस में स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, इस वाले केस में स्लोप की वैल्यू आ रही है पहले से डिफरेंट, एंड दैट इज हाउ मच, दैट इज इस वाले केस में हम कह सकते हैं स्लोप =1/5। और ये स्लोप ज्यादा होगा, ये कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है 60 सेकंड के बाद की। तो इफ वी मेक डायग्राम तो हम क्या देखेंगे, हम देख पाएंगे दिस इज टी, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज ग्राफ अप टू विच टाइम, 60 सेकंड। अब तक दोनों का एक्सेलरेशन सेम था, ये A1 भी होगा और ये A2 भी होगा। 60 सेकंड के बाद A1 का स्लोप इससे ज्यादा हो जाएगा, बेटा इसको स्लोप बोलते हैं, ये छोटा है, बाद वाला स्लोप हो गया ज्यादा और ये ग्राफ आएगा किसका, स्लोप बढ़ गया। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये हम बात कर रहे हैं A1 की। वॉट अबाउट सेकेंड ब्लॉक, दूसरे वाले ब्लॉक का क्या होगा, दूसरा ब्लॉक मतलब 20 kg वाला ब्लॉक, ये 20 kg वाला ब्लॉक है, 20 kg पे यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है। ध्यान दो और ध्यान से देखो, इसके ऊपर रखा था 10 वाला, मैं थोड़ा सा गैप दिखाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम 10 वाले को राइट में खींच रहे थे तो फ्रिक्शन कहां लग रहा था, पीछे लग रहा था। बेटा फ्रिक्शन हमेशा इंटरनल होता है, इंटरनल हमेशा पेयर में डेवलप होता है। अगर एक कॉन्टैक्ट पॉइंट पे एक बॉडी पे पीछे फ्रिक्शन लगता है तो उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ में जुड़ी बॉडी पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो 10 kg वाले पे फ्रिक्शन कहां लग रहा है, पीछे, तो 20 वाले पे कहां लगेगा, आगे लगेगा। 20 वाले पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, ओनली एफ। जब टाइम हो गया 60 सेकंड से ज्यादा तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई 80 न्यूटन और वेरिएबल है कि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब नीचे वाले ब्लॉक पे केवल फ्रिक्शन लग रहा है और वो कांस्टेंट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर 20 kg F = क्या बोल रहे होंगे हम, F = 20 × A2। ये बात आपको समझ में आ रही है, F = 20 × A2, मतलब फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। F कितना है, 80 के बराबर है, = 20 × A2। यहां से A2 कितना निकल के आ रहा है, A2 निकल के आ रहा है 80/20, दैट कम्स आउट 4 m/s². Is it variable or constant? ये constant है। इसका मतलब दोबारा से मैं ग्राफ दिखाता हूं दोनों का, हमारे पास ये टाइम, हमारे पास ये एक्सेलरेशन, ये ग्राफ दोनों के लिए कॉमन था। और ये कब तक की बात हो रही थी,
ये बात हो रही थी 60 सेकंड की। 60 सेकंड के बाद सेकंड वाले का एक्सेलरेशन हमें दिख रहा है, नीचे वाले 20 केजी वाले का एक्सेलरेशन कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसको हम बोल सकते हैं 2, है ना। और वो कांस्टेंट हो गया, कितना हो गया, इतना हो गया। और इस वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस वाली वैल्यू को हम 4 बोल सकते हैं। और ये किसका एक्सेलरेशन है, ये A2 का है। और उस A1 का क्या हुआ था, उसका स्लोप बढ़ गया था, मतलब ये किसका एक्सेलरेशन था, ये A1 था उस वाले का, पहले वाले ब्लॉक का, 10 केजी वाले ब्लॉक का। सो ये हमारे पास ग्राफ आ गया बेटा। इसको ग्राफ नहीं समझो, इसको अंडरस्टैंडिंग समझो कि फ्रिक्शन कैसे बिहेव करता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम पूरी तरह से समझ आ गया, आप वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, अगर पूरी तरह से समझ में आ गया तो आपको डिफिकल्टी आएगी नहीं, फिर बड़े आराम से आप पूरे चैप्टर को डील कर पाओगे। अभी तक के केस में हम क्या कर रहे थे, अभी हमने 10 केजी वाले पे फोर्स लगाया था, अब हमारे पास रहता है 20 केजी वाला ब्लॉक। सो अब हम बात करते हैं अगले केस की। सेम क्वेश्चन है, केस बदल गया। सो वी हैव नाउ केस 3, वी हैव केस 3। इस केस के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, फोर्स इज अप्लाइड ऑन 20 केजी। अभी हम किस पे लगा रहे थे, अभी हम लगा रहे थे 10 केजी पे, अब हम किस पे लगा रहे हैं, 20 केजी पे। सिचुएशन सेम होगी, ये हमारे पास 10 केजी का ब्लॉक है, ये हमारे पास 20 केजी का ब्लॉक है। और ये कहां पे रखा है बेटा, ये स्मूथ फ्लोर पे रखा हुआ है। ध्यान रखो, फोर्स अब की बारी हम कहां लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं। और कितने के बराबर लग रहा था, अगेन 2t के बराबर फोर्स लग रहा है, हमने कुछ भी चेंज नहीं करा। यहां पे भी फ्रिक्शन की म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.8 के बराबर है। अब तुम्हें दोबारा समझना, एक बात सोचो, मैं बात करता हूं आपको अलग अलग केसेस की। पॉइंट नंबर वन, जब 10 केजी वाला ब्लॉक डायरेक्ट फ्लोर पे रखा होगा, फ्लोर पे से ब्लॉक को चलाना आसान होगा, जल्दी चलना शुरू हो जाएगा। केस नंबर 2, 10 केजी 20 केजी के ऊपर रखा हुआ है और हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं, हम 10 केजी पे लगा रहे हैं। नो डाउट इस वाले केस में डिफिकल्टी होगी दोनों को आपस में अलग अलग करने में, इस वाले केस में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड केस की, जिसमें सिचुएशन तो सारा को सारा सेम है, लेकिन हमने फोर्स किस पे लगाया, फोर्स लगाया हमने लोअर ब्लॉक पे। अगर हम फोर्स लगाएंगे लोअर ब्लॉक पे, यहां पे म्यू की वैल्यू दी है 0.8 के बराबर, कॉन्टैक्ट ब्रेक करना अब ईजी के डिफिकल्ट होगा। एक्चुअली ये वाला केस जो होगा वो ईजी होगा, ईजी टू ब्रेक, और ये वाला मिडिल वाला उतना ज्यादा, ये मिडिल वाला दिस वन इज नॉट दैट ईजी। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ब्रेक करना ईजी होगा कि डिफिकल्ट होगा, दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्रेक। बेटा जब तक आप फिजिक्स को समझोगे एज सब्जेक्ट, आपको समझ में आने वाली नहीं है, ग्रिप नहीं बनेगा। लेकिन आप समझोगे इसको रियल लाइफ प्रॉब्लम की तरह, कि सर एक टेबल है, टेबल पे बुक रखी है, हम टेबल को खींचते हैं और बुक खिसक जाती है। ये वाले केस में देखो, टेबल को नहीं खींच रहे, बुक को खींच रहे हैं। इस वाले केस में देखो, बुक डायरेक्ट कहाँ पे रखी हुई है, ग्राउंड पे रखी हुई है। किस केस में चीज़ों को खींचना आसान होगा, यू कैन ऑब्जर्व एंड अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाता है। सो इस केस में हमने क्या देखा, केस 3 में फोर्स इज अप्लाइड ऑन 20 केजी ब्लॉक। नाउ लेट अस एग्जामिन क्या होगा बेटा, सुनो, 2T फोर्स लगाएंगे हम। जैसे 2T फोर्स लगेगा, स्टार्टिंग में कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं करेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। और साथ साथ कब तक चलेंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें क्लियर है कि इन द बिगिनिंग फॉर स्मॉल टाइम, स्मॉल कितना होगा मालूम नहीं, अभी हम देख लेंगे, फॉर स्मॉल टाइम बोथ मूव विद सेम एक्सेलरेशन। क्लियर है, और उसका रिलेशन तो सेम आएगा। कौन सा रिलेशन आएगा उसका, उसका रिलेशन आएगा एफ इक्वल टू एम ए। बेटा एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है 2t के बराबर। ओके, तो बेटा हम इस वाले केस को देखते हैं। तो एक्सेलरेशन हम क्या मान के चल रहे हैं, कि दोनों का कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं कर रहा। जब तक दोनों का कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं करेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आएगी जो पहले वाले केस में आ रही थी। हम फोर्स ऊपर वाले पे लगाएं या नीचे वाले पे लगाएं, लेकिन एक्सेलरेशन सेम आएगा, और वो आएगा एफ अपॉन 2t/30 के बराबर। क्लियर हो गया। अब हम एक चीज देखें ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, जब तुम नीचे वाले ब्लॉक को राइट साइड में खींच रहे हो, तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में बेटा आगे निकलने की कोशिश करेगा। अगर आगे निकलने की कोशिश करेगा, ध्यान रखना फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, मोशन पे डिपेंड नहीं करता, रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है। 20 केजी वाला 10 वाले के रिस्पेक्ट में कहां जाने की कोशिश कर रहा है,
आगे जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फोर्स हम किस पे लगा रहे हैं, नीचे वाले पे लगा रहे हैं। तो अगर नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में आगे जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा पीछे। अच्छा, टेन वाले की बात करते हैं, टेन वाला ब्लॉक पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उसका इनर्शिया क्या बोलेगा, उसका इनर्शिया बोलेगा कि वो रुका रहे। इसका मतलब दी नेचर ऑफ 10 केजी ब्लॉक इज टू रिमेन एट द सेम पॉइंट। 10 केजी का नेचर क्या होगा कि वो वहीं पे बना रहे। वहीं पे बना रहने का क्या मतलब हुआ, वहां पे बना रहने का मतलब हुआ वो 20 केजी आगे निकल जाएगा तो ये कहां पे रह जाएगा, ये पीछे को रह जाएगा। तो 20 केजी के रिस्पेक्ट में 10 केजी वाला ब्लॉक बैक साइड में फील होगा जाता हुआ, तो इस पर फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे लगेगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक दूसरा मेथड मैंने आपको समझाया था, वो मेथड कौन सा है कि हमने ये नहीं देखना कि कहां पे फ्रिक्शन लग रहा। अगर तुम एक पे फ्रिक्शन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो बिना सोचे तुमने बोल लेता है इस पे आगे आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है, पेयर में डेवलप होता है, एक पे आगे लगेगा तो एक पे पीछे लगेगा। चलो हमने क्या मान लिया, अब हम बात करते हैं व्हेन कॉन्टैक्ट इज अबाउट टू ब्रेक तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, मैक्सिमम लगेगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सेम टू सेम ना 80 न्यूटन के बराबर आएगी, वो तो सारी चीजें सेम ही है ना, तो 80 न्यूटन के बराबर आएगा। तो अब हम बात करते हैं 10 केजी ब्लॉक की, 10 केजी पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, केवल एक फोर्स काम कर रहा है, कौन सा वाला है, वो एफ के बराबर काम कर रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो उसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये एफ के बराबर लगेगा, और रिलेशन क्या आएगा बेटा, रिलेशन आएगा कि अगर हम 10 केजी वाले की बात करें तो रिलेशन आएगा एफ इक्वल टू, ये किधर को भाग रहा होगा, आगे भाग रहा होगा। तो 10 केजी का मोशन क्या बनेगा, F इक्वल टू 10 इंटू ए ऐसे बनेगा। लेकिन अगर हम 20 केजी वाले की बात करें, आप आंसर कहीं से भी निकाल सकते हो 10 या 20 से, अगर हम 20 वाले की बात करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, F कहां लग रहा है, आगे। 20 केजी पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, फ्रिक्शन भी काम कर रहा है कहां पे, पीछे। और हम किस केस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं व्हेन कॉन्टैक्ट इज अबाउट टू ब्रेक, जब कॉन्टैक्ट टूटने वाला होगा उस टाइम पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम के मैक्सिमम हो जाएगी, और वो कितने के बराबर होगी, और वो 80 न्यूटन के बराबर होगी। तो अगर हम 20 वाले का डायग्राम के हिसाब से बनाएं तो हम क्या बोलेंगे, फॉर 20 केजी F माइनस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 80, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहां से जो रिलेशन आएगा वो किसके लिए आएगा, कि जब कॉन्टैक्ट ब्रेक होने वाला है। हम आगे चलते हैं, हमारे पास रिलेशन आएगा F माइनस 80 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 2t/30, याद होगा आपको, अभी हमने पढ़ा था 2t/30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से वैल्यू आएगी। अच्छा, एफ की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 2t माइनस राइट साइड वाली चीज़ हम लेफ्ट में ले आते हैं, तो कितना आएगा, 4t/3 इज इक्वल टू हाउ मच, 80। आई थिंक क्लियर है, वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 2t/3, 60 माइनस 40 ना, 2t/3 इज इक्वल टू 80। और यहाँ से t की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, t की वैल्यू आएगी 120 सेकेंड। ध्यान से समझो, बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट है, 120 सेकेंड। सेम एग्जाम्पल, सारी चीजें सेम थी, जब अकेला एक ब्लॉक रखा हुआ था फ्लोर पे, तब फ्लोर पे से उसको चलाने के लिए केवल 40 सेकेंड टाइम चाहिए था। फिर हमने दूसरा केस पढ़ा, उसमें 60 सेकेंड टाइम चाहिए था, और इस वाले केस में हमें कितना टाइम चाहिए, इसमें 120 सेकेंड टाइम चाहिए। मतलब 120 सेकेंड के बाद कॉन्टैक्ट ब्रेक करेगा, उसके पहले कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं करेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा हो, मुझे लगता है तुम बात समझ गए होगे। एक काम करते हैं, हम दोबारा से ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में। तो अब हम प्लॉट करते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ। तो अब हम बात करते हैं दोनों ब्लॉक्स को। लेट्स से ये हमारे पास 20 केजी का ब्लॉक है, ये 20 केजी का ब्लॉक है, और इस पे फोर्स कहाँ पे लग रहा था, फोर्स लग रहा था आगे की तरफ। हम लोगों ने कितना लगा रहा था फोर्स, हमने फोर्स लगाया हुआ था एफ इक्वल टू 2t के बराबर, और फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था, फ्रिक्शन पीछे लग रहा था। ऐसे यहाँ पे ये 10 केजी का ब्लॉक था, 10 केजी वाले पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था, आगे लग रहा था। बट ध्यान रखो, इन दोनों का कॉन्टैक्ट कब टूटना था, इनका कॉन्टैक्ट टूटना था जब टाइम की वैल्यू कितने के बराबर, 120 सेकंड या उससे ज़्यादा हो जानी थी। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बात करेंगे पॉइंट वन की, जब टाइम की वैल्यू जीरो से ज़्यादा और 120 सेकंड या उसके बराबर है, तब तक बोथ विल मूव विद सेम एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मालूम है कितने के बराबर आ रही थी, 2t/30। ये कब तक की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अप टू 120 सेकेंड। और ये कितने के इक्वल आएगा, ये आएगा 1/15 × t। इसमें स्लोप अगेन कितना आ रहा है, 1/15 के बराबर आ रहा है। और ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा, 120 सेकेंड तक जाएगा। तो अगर हम इस वाले ग्राफ को प्लॉट करते हैं यहाँ पे, तो हमें दिखाई देगा ये t है
और ये क्या है, एक्सेलरेशन है, और ये ग्राफ आएगा ऐसे, और कहाँ तक जाएगा, ये ग्राफ जाएगा 120 सेकेंड तक। ये एक का एक्सेलरेशन होगा कि दोनों का होगा, ये बेसिकली दोनों के एक्सेलरेशन होंगे, A1 भी यही है और A2 भी यही है। ये क्लियर हो गया। लेकिन अब ध्यान से देखो, जैसे टाइम की वैल्यू 120 सेकेंड से ज़्यादा होगी, आप सोचो कि 20 kg वाले का क्या होगा। ये 20 kg है, आगे कितना लग रहा था 2t, और बैक डायरेक्शन में कितना फ्रिक्शन लगेगा, बैक डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा कितने के बराबर बेटा, 120 सेकंड के बाद फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, कितना होगा वो 80 न्यूटन के बराबर। तो अगर हम यहां पर रिलेशन निकालेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से, इसको हम 2 बोल रहे थे, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा A2, रिलेशन क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा 2t माइनस 80 ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से अगर हम A2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, t/10 - 8। एक बात बताओ, ये स्लोप सेम है कि कम हो गया या ज्यादा हो गया, ये स्लोप ज्यादा हो गया, पहले t के साथ कितना आ रहा था 1/15, अब t के साथ कितना आ रहा है 1/10, इसका मतलब स्लोप हो गया ज्यादा। तो A2 का ग्राफ अगेन किधर आएगा, A2 का ग्राफ आएगा ऊपर, दिस इज वॉट A2, क्लियर हो गया। और उसके बाद ये ऐसे कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वॉट अबाउट दैट A1, मतलब 10 kg वाले के बारे में क्या सोचते हो, ये 10 kg का ब्लॉक है, ध्यान रखो 10 kg किसके ऊपर रखा था, 20 kg के ऊपर। अगर 20 kg पे लेफ्ट में फ्रिक्शन लग रहा है तो 10 kg पे कहां पे फ्रिक्शन लगेगा, राइट में फ्रिक्शन लगेगा, और वो कितने के इक्वल होगा, 80 न्यूटन के इक्वल होगा। कब की बात हो रही है, जब टाइम की वैल्यू 120 सेकंड से ज्यादा है। एक बात बताओ, 10 kg वाले पे फोर्स की वैल्यू या फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, एक्चुअली कांस्टेंट है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, A1 के बराबर आएगा, यस नो। और हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड व्हाट इज A1, A1 बेसिकली 8 m/s² के इक्वल आएगा, हमें साफ साफ दिख रहा है। और ग्राफ कैसा आएगा बेटा, क्योंकि सिंस ये कांस्टेंट आ रहा है, ये वेरिएबल नहीं है, हमें साफ साफ दिख रहा है वेरिएबल नहीं है, मतलब टाइम बढ़ेगा लेकिन इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ ऐसे आएगा। अगर हम इस वाली चीज़ को अगर पीछे तक एक्सटेंड करते हैं, यहाँ 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 यहाँ, तो ये वैल्यू कितने के बराबर आने वाली है, ये 8 के बराबर आनी। आई थिंक आपको समझ में आ गया, हम कौन से केसेस कर रहे थे, हम एक ही प्रॉब्लम कर रहे थे, इसमें और भी बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं सिंपल प्रॉब्लम में। अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने फ्रिक्शन केवल दोनों के बीच में लिया, अब हम फ्रिक्शन कहाँ ले सकते हैं, अब हम 20 kg के फ्लोर के पास भी फ्रिक्शन ले सकते हैं, और उसके फ्रिक्शन भी अलग अलग हो सकते हैं। एक केस तो हो सकता है कि 20 kg और फ्लोर के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन ऊपर वाले फ्रिक्शन से कम है, और एक केस हो सकता है कि 20 kg और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन ऊपर वाले फ्रिक्शन से भी ज्यादा है। इसका मतलब इसमें और भी केसेस पॉसिबल हैं। आई ट्राइड कि तुम्हें बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए। सो ये टॉपिक मैंने आज पढ़ाया जिसमें मैंने एक ही प्रॉब्लम कराया। बेटा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो इफ यू वॉन्ट टू रिपीट सम मोर टॉपिक्स, या इसी से रिलेटेड इसका एक्सटेंशन करना चाहते हो, अदर और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, तो आई कैन मेक अनदर वीडियो। अदरवाइज हम लोग अगले वाले लेक्चर में दूसरे वीडियो पे मूव करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें और बनाना है तो मैं बना सकता हूँ। एक और इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब पे मेरा वीडियो अब से 48 hours के लिए अवेलेबल रहेगा, उसके बाद मैं रिमूव कर दूंगा। 48 hours में आपने वीडियो को वॉच करना है, ढंग से देखना है, 2-3 times जितनी बार देखना है, उसके बाद से फिर मैं इसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि बच्चों की परफॉर्मेंस नहीं आती। बहुत दिन तक वीडियो पढ़ा रहता है, बच्चे देखते ही नहीं है, वो सोचते हैं कोई बात नहीं पढ़ा है तो हम बाद में देख लेंगे, और वो बाद कई बार कभी नहीं आता। सो आई वॉन्ट कि जब वीडियो डालें तभी आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है बेटा। कोई सजेशन कुछ भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।